किसी भी इंसान को अपने वश में कैसे करें, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं किसी का वशीकरण करना तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टोट के मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पत्ते पर नाम लिखकर वशीकरण कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सही सुना, पत्ते पर नाम लिखकर आप किसी इंसान का वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, वो इंसान चाहे आपका दुश्मन हो या आपका प्यार हो, आप उस पर वशीकरण का प्रभाव डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका प्यार आपसे दूर चला गया है तो आप अपने प्यार को अपने पास वापस बुला सकते हैं। आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने प्यार को वापस पाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपका प्यार आपको छोड़कर दूर चला गया है और आप चाहते हैं अपने प्यार को वापस अपनी जिंदगी में हासिल करना, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा किसी इंसान का वशीकरण कैसे करें या अपने खोए हुए प्यार को कैसे हासिल करें। जी हाँ दोस्तों, आपने दोस्तों पीपल के पेड़ के दो पत्ते तोड़ लेने हैं शुक्रवार के दिन या अमावस्या के दिन। उसके बाद दोस्तों आपने एक ब्लैक पेन लेना होगा और उसके बाद दोस्तों आपने एक रोटी लेनी होगी, एक परोंदा जिसको बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने एक पत्ते पर दोस्तों अपने प्यार का नाम लिखना है जिसको आप वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। मान लीजिए दोस्तों उसका नाम रमन है, दोस्तों आपने रमन लिख देना है एक पत्ते के ऊपर। और दोस्तों उसके नीचे आपने क्या लिखना है, ओम अमोक स्वाहा, जो भी आपका प्यार का नाम है उसका नाम लिखना है। अमोक की जगह आपने रमन का नाम लिखना है जो आपका प्यार है जिसको आप वापिस लाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने दूसरे पत्ते पर भी सेम यही लिखना है, रमन ओम अमोक स्वाहा। उसके बाद दोस्तों आपने अमोक की जगह अपने प्यार का नाम लिखना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपने एक पत्ते को दोस्तों उसके नीचे पीपल के पेड़ के नीचे रखकर दबा देना है भारी पत्थर के साथ, और दूसरे पत्ते को दोस्तों आप अपने घर ले आए, अपने घर की छत के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए, भारी पत्थर रख दीजिए। दोस्तों एक टोटका आपने लगातार 15 दिन तक करना है। 16 दिन के बाद, 15वां दिन के बाद दोस्तों आपने सारे पत्ते निकाल कर दोनों जगह से पीपल के पेड़ के पास से और अपने घर की छत के ऊपर से ऐसे सारे पत्तों को उल्टा करके दोस्तों अच्छी तरह से जो पत्ते बनेंगे दोस्तों वो ज्यादा होंगे, आपने बड़े से परोंदे के साथ अच्छी तरह से लपेट कर पानी में बहा देने हैं और दोस्तों आपने घर वापस आ जाना है। लेकिन ध्यान रखना है घर वापस आते समय आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो दोस्तों ये था वशीकरण अपने खोए हुए प्यार को हासिल करने का टोटका। अगर आप भी अपने खोए प्यार को हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें और आप हमारे जो वीडियो में नंबर दिखाई दे रहा है इस पर कॉल करें। वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत